ओके, आवाज़ आ रही है सभी को? मेरी आवाज़ थोड़ी सी अच्छी लग रही है ना? आवाज़ इसके साथ कंटिन्यू करना चाहिए क्या, या आवाज़ के साथ ऐसा लॉन्ग टर्म बेसिस पे? नहीं ना? आगे अच्छो, गुड आफ्टरनून। थोड़ा वॉल्यूम में बेस ज़्यादा हुआ हुआ है, गला बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा। जस्ट नॉट वांटेड टू गिव यू ऑफ। जितना हुआ उतना आज ट्राई करूँगा, ठीक है? नहीं हुआ तो थोड़ा संभाल लेना लाइफ में। यस, कोशिश कर रहा हूँ, जितना हुआ उतना ठीक है। नहीं हुआ तो आज के दिन थोड़ा सा मैनेज कर लेना। एक हाथ पर थोड़ा गला हुआ तो फिर रिक्वेस्ट करके एक्स्ट्रा ले लूँगा। डोंट वरी अबाउट, से यस। हाँ जी, तो चलो, हम लोगों ने चालू किया था, एक बार रिविजन कर ले फटाफट। हम लोगों ने चालू किया था इकोनॉमिक्स, से यस। हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? आदम स्मिथ, यस। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था, वाह भैया, इन द ईयर, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी वो वाई वी नीड इकोनॉमिक्स, बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर एंड रिसोर्सेज आर, यस। तो इकोनॉमिक्स को सॉल्व करने से क्या सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या अब हम उसको राइट प्रस्पेक्टिव में देख पाएंगे? यस, क्या सारी वांट सेटिस्फाई हो सकती है, या मैक्सिमम वांट ही सेटिस्फाई हो पाएगी? ठीक है, यहाँ से हम गए थे वांट्स देखने के लिए। वांट्स कितने प्रकार की होती है बेटा? तीन। व्हाट डू यू मीन बाय वांट्स? वांट्स इज अ सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। वांट इज द सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, यस और नो? वांट मेजरली कितने प्रकार की होती है? तीन, नेसेसिटी, कंफर्ट्स एंड लग्जरी, यस और नो? राइट। इसके बाद में हमने देखा था रिसोर्सेज होते हैं, कितने रिसोर्स होते हैं? पांच। बोलो कौन कौन से? मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड। यस, इकोनॉमिक्स कहाँ से आया है? कौन सा वर्ड है बेटा? ग्रीक वर्ड ऑइकोनॉमिया, विच मीन्स, यस। यहाँ से हम लोग आगे बढ़े थे, हमने समझा था यूटिलिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है, यस। व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी? यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ अ कमोडिटी। क्या यूटिलिटी इज इक्वल टू यूजफुलनेस? नो, अनयूजफुल चीज़ भी है, पर उससे भी अगर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो क्या ये यूटिलिटी हो सकती है बच्चा? यस, यूटिलिटी इज इक्वल्स टू सेटिस्फैक्शन और एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन। यस, इट इज एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन एंड नॉट द एक्चुअल सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी के दो थ्योरी है, एक बोलता है यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, दूसरा बोलता है यूटिलिटी कांट बी मेजर्ड। यस, तो पहला थ्योरी जो कहता है यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, ये किसने दिया है? अल्फ्रेड मार्शल। और दूसरा कहता है कि यूटिलिटी कांट बी मेजर्ड, ये किसने दिया है? यस, हिक्स एंड एलन। तो एक है कार्डिनल अप्रोच, दूसरा है ऑर्डिनल अप्रोच, राइट। यहां से हमने मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी नाम का कंसेप्ट पढ़ा था, याद आ रहा है तुमको? इतना हम लोगों ने लिखा है। ओके सर, ओके। फिर यहां से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ करके देख रहे हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप ऑफ इकोनॉमी। नेक्स्ट कंसेप्ट देखने जा रहे हैं टाइप ऑफ इकोनॉमी, यस। चलिए पहले टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स के कितने प्रकार है? दो, एक माइक्रो, दूसरा मैक्रो, ठीक है। चलिए
टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, माइक्रो माइक्रो टॉक्स अबाउट द इंडिविजुअल यूनिट, वेयर एज मैक्रो टॉक्स अबाउट एग्रीगेट यूनिट। अगर मैं एक आदमी के इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं तो मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं, अगर मैं आप सबके कंबाइंड इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं तो मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। माइक्रो इकोनॉमिक ब्रॉड है या नैरो है? नैरो, क्योंकि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन के बारे में डील कर रहा है। वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये टॉक करता है किसके बारे में? होल नेशन। यस, तो एक आदमी की इनकम इज अ मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम इज अ मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। तो माइक्रो और मैक्रो, तो मुझे बताइए जीडीपी कहाँ आना चाहिए? मैक्रो। जीएनपी कहाँ आना चाहिए? प्राइस इफेक्ट कहाँ आना चाहिए? माइक्रो। प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट कहाँ आना चाहिए? माइक्रो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस, प्लीज राइट डाउन माइक्रो एंड मैक्रो। गर्म पानी गर्म है ना, थोड़ा गर्म ला दो, गर्म है ना, ठीक Is it done? So it is a narrow concept, it is a wide concept. आपको जो MCQ आने वाला है वो बीच वाले पॉइंट पे आने वाला है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नैरो, वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स इज वाइड। Is that done? Say yes. चलो जी, तो यहां आपका बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है बेटा? ओवर। और हम चल रहे हैं चैप्टर नंबर वन की ओर। यस, हम लोग चल रहे हैं कहां? बोलो बेटा, चैप्टर नंबर वन की ओर। आ जाओ बेटा। अब अगर आप जानते हैं चैप्टर नंबर वन को, तो चैप्टर नंबर वन दुनिया का सबसे ईजी चैप्टर है। यस और नो? इसमें के भी जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम सिर्फ उतना ही लिखेंगे। अब मैं आज आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताऊं, बराबर है? देखो, शॉर्ट नोट्स जो है, जो हम लिख रहे हैं, लगभग लगभग बहुत सारे वहीं से इंस्पायर्ड है। आप जब इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाओगे, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर BOS नॉलेज पोर्टल पर जाओगे, देखो एक मस्त चीज़ दिखा रहा हूँ, BOS नॉलेज पोर्टल पर जाओगे, तो नॉलेज पोर्टल पर ना सब्जेक्ट वाइज कैप्सूल बना के दिया है इन्होंने। सब्जेक्ट वाइज कैप्सूल मतलब हर सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स बना के दिया है, बहुत अच्छा, इंस्टीट्यूट द्वारा ही बना के दिया हुआ है। इसमें अगर आप क्लिक करोगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स पे जाओगे, ये देखिए बिजनेस इकोनॉमिक्स का कैप्सूल, चैप्टर नंबर वन, चैप्टर नंबर वन एक पेज में ओवर। शॉर्ट नोट्स अपने ही इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में बना के दिया है, बराबर है? लेकिन हम जो लिखेंगे, राइट, हम जो लिखेंगे वो इससे थोड़ा और डिटेल्ड होगा, क्योंकि एक पेज में सिर्फ खत्म नहीं हो सकता, समझ आ रही है? तो ये लास्ट डे रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है, पर मैं तो आपसे कहूंगा कि जो मैं आपको लिखा के दूंगा वो ज़्यादा प्रेफर करना, उसमें ऑलमोस्ट मैं सारे MCQ ही उतने में कवर कर दूंगा, समझ आ रही है बात? राइट, चलो आओ सबसे पहले बात करते हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक। एक फ्रेश पेज ले लेना चैप्टर नंबर वन, एक फ्रेश पेज ले लेना चैप्टर नंबर वन। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स,
बिजनेस इकोनॉमिक्स। इज इट डन? चलिए अब यहां पे क्या है, अगेन जो बेसिक्स हम लोगों ने कल पढ़ा है ना, वही यहाँ पे वापस आकर के रिपीट होता है, वही वापस यहाँ पे आकर के रिपीट होता है। इकोनॉमिक्स वर्ड्स आया कहाँ से, मतलब मैं आपको सबसे पहले चैप्टर का आउट फ्रेम बता देता हूँ, इकोनॉमिक्स आया कहाँ से है, इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है, इकोनॉमिक्स मतलब क्यों पढ़ रहे हैं हम बिजनेस के लिए, क्योंकि बिजनेस इज ऑल्सो अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इसमें डिसीजन मेकिंग होता है, तो फिर डिसीजन मेकिंग के बारे में बताया है, बराबर है। यहाँ पर आपका यूनिट नंबर वन खत्म होता है। यूनिट नंबर टू होता है टाइप ऑफ इकोनॉमी, टाइप ऑफ इकोनॉमी। चलो याद करके देखो, इकोनॉमी कितने प्रकार की थी मालिक, दो, कौन कौन सी, मैंने फेंक के मारना है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड, मैक्रो मैक्रो। अब टाइप ऑफ इकोनॉमी है, टाइप ऑफ मार्केट, टाइप ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कितने हैं, तीन, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड। याद आ रहा है क्या तुमको? फिर जैसे ही वो पढ़ोगे आपका चैप्टर नंबर वन खत्म हो जाएगा। मतलब अगर मैं आउटलाइन ड्रॉ करूँ चैप्टर नंबर वन में भी, अगर आपको स्मार्ट स्टडी करनी है तो इसके फर्स्ट पार्ट पे करना और सीधा यूनिट टू पे करना, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं बनेंगे। समझ में आ रही बात? एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं बनेंगे। सो लेट अस स्टार्ट, ठीक है। ये जो नोट्स है ये आपके पास भी रहेंगे, हाल फिलहाल में नहीं भी है तो भी चलेगा, इसमें के मेन पॉइंट ही मैं आपको लिखा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसी बुक्स आ जाएंगी हम इसको वापस हाईलाइट भी कर देंगे। ओके, वर्ड इकोनॉमिक्स, चलो बोलो, आगे मत देखो। द वर्ड इकोनॉमिक्स कहाँ से डिराइव हुआ है, ग्रीक वर्ड ऑइकोनॉमिया विच मीन्स हाउस होल्ड। सो द वर्ड इकोनॉमिक्स डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ऑइकोनॉमिया विच मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट। टिल 19th century इट वॉज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, येस और नो? इन 1776 एडम स्मिथ पब्लिश द बुक एन इंक्वायरी इन टू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन विच इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स, येस। अच्छा, ये इकोनॉमिक्स की जरूरत किसको है, क्या सिर्फ एक इंडिविजुअल को है, सोसाइटी को है, हर कंट्री को है, पब्लिक एट लार्ज को है, किसको है? आई थिंक ऑल ऑफ देम, येस। सो एवरी इंडिविजुअल, एवरी सोसाइटी, एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइसेस बिकॉज ऑफ द टू फैक्ट। बोलो बेटा कौन से? ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर स्केर्ड। अब यहाँ पे एक एमसीक्यू इंस्टीट्यूट बनाता है, ये जो स्केर्ड रिसोर्सेज है इसका मतलब ऐसा है क्या कि रिसोर्सेज ही नहीं है? इज इट एन एब्सोल्यूट स्कार्सिटी और रिलेटिव स्कार्सिटी? रिलेटिव स्कार्सिटी, जितनी नीड है उतने नहीं है, ऐसा नहीं है, है ही नहीं, जितनी नीड है उतने नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव स्कार्सिटी कंसेप्ट। इसको हम क्या कहते हैं बोलो बच्चे? रिलेटिव स्कार्सिटी कंसेप्ट। समझ में आ रही बात? तो ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज ही नहीं है, जितने रिसोर्सेज है उतनी रिक्वायरमेंट से कम है, यस। अच्छा जी, सो इकोनॉमिक्स की अगर बात की जाए किस बारे में डील करता है, इट डील्स विद द इकोनॉमिक्स देयर फॉर कंसर्न इट सेल्फ नॉट जस्ट विद क्रूशल कंसर्न ऑफ हाउ नेशन एलोकेट इज रिसोर्सेज, इट ऑल्सो डील विद द प्रोसेस बाई विच प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ रिसोर्सेज इंक्रीज एंड विद द फैक्टर विच इन द पास्ट हैव लीड टू शार्प फ्लक्चुएशन इन द रेट ऑफ यूज ऑफ दिस रिसोर्सेज। तो इकोनॉमिक्स क्या करता है, सिर्फ इस बात पर नहीं ध्यान रखता कि भैया नेशनल रिसोर्सेज किस तरीके से यूटिलाइज किए जाएंगे, ये एक और बात पर फोकस करता है कि फ्यूचर में इस रिसोर्सेज को कितने अच्छे तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं। ये आज जैसे हम लोग एक बात करते हैं सेव वाटर, बात करते हैं, तो क्या पानी नहीं है आज, या पानी फ्यूचर के लिए भी सेव करना उसके लिए रखना पड़ेगा, सही बात है कि नहीं है? सो इट इज नेसेसरी टू रिमेंबर दैट मोस्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर ऑफ कॉम्प्लेक्स इन नेचर एंड अफेक्टेड बाय सर्वल फोर्सेस। व्हाई इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग आर कंसिडर्ड एज कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये एक चीज पर बेस्ड नहीं है, ये मल्टीपल चीजों पर बेस्ड है, ये एक चीज पर बेस्ड नहीं है, ये कितनी चीजों पर बेस्ड है, मल्टीपल चीजों पर बेस्ड है। अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, अनलिमिटेड पानी अवेलेबल करवा दिया तो प्रॉब्लम क्या है? वो जो पहले होता था, घर की दीवारें भी पानी से धुल रही है, घर की गाड़ियां भी पानी से धुल रही है, आर यू गेटिंग द पॉइंट? लोग अननेसेसरी वेस्ट कर रहे हैं, राइट? अगर अनलिमिटेड पानी प्रोवाइड कर दिया तो, अगर बहुत अबंडेंस में प्रोवाइड करा दिया तो भी तकलीफ है, एक लिमिटेड सप्लाई दिया जाता है ताकि क्या हो, उसका वेस्टेड ना हो, रिसोर्सेस का वेस्टेज ना हो। सो इट इज नेसेसरी, यस इट इज
necessary to remember that most economic problems are complex in nature and affected by several forces. The study of economics cannot ensure all problems will be appropriately tackled, but without doubt it would enable a student to examine a problem in its right perspective. ये तो हमने कल basics में ही पढ़ लिया था. Yes or no? Right? Register में जाइए, register में जाइए. वापस से हमें चालू करना है history of economics. ठीक है, history of economics. उसी के अंदर में पहला point लिखिए. इकोनॉमिक्स अराइज फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया. इकोनॉमिक अराइज फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया. विच मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट. विच मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट. नेक्स्ट पॉइंट, टिल 19th सेंचुरी, टिल 19th सेंचुरी इट वॉज अ पार्ट ऑफ, इट वॉज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी. थर्ड लाइन, एडम स्मिथ इज कंसिडर्ड एज. फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. बराबर है. फोर्थ पॉइंट लिखिए, फोर्थ पॉइंट लिखिए. इन 1776 एडम स्मिथ पब्लिश द बुक वेल्थ ऑफ नेशन. इज अ डन. चलिए, गिव द नेक्स्ट हेडिंग. हिस्ट्री लिख दी आपने, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए. फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स. जवाब खुद बताइए. ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर स्केर्ड. बस इतना लाइन लिख के छोड़ना है. ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर स्केर्ड. डन. अच्छा बताइए, इज इकोनॉमिक सिंपल और कॉम्प्लेक्स इन नेचर. कॉम्प्लेक्स इन नेचर. ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. उसी के अंदर ही, उसी पॉइंट, उसी सब पॉइंट्स के अंदर में लिखिए. द इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स आर ऑफ कॉम्प्लेक्स इन नेचर. एंड स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, एंड स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैनॉट इंश्योर ऑल प्रॉब्लम विल बी सॉल्व. स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैनॉट इंश्योर ऑल प्रॉब्लम विल बी सॉल्व बट
बट इट विल बी हेल्पफुल इन एग्जामिनिंग, इट विल बी हेल्पफुल इन एग्जामिनिंग द प्रॉब्लम इन राइट पर्सपेक्टिव. डन है बेटा. चलिए अब इकोनॉमिक्स को कहाँ यूज किया जाता है, डिसीजन मेकिंग में यूज किया जाता है. बिकॉज कम रिसोर्सेज में तुम्हें जो डिसीजंस लेने हैं ये ज्यादा लेने हैं. यस राइट. तो अब डिसीजन मेकिंग क्या होती है सर? चॉइस ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ गिवन ऑल द अल्टरनेटिव, इसमें से जो बेस्ट चॉइस होगा उसको मैं क्या बोलता हूँ, डिसीजन मेकिंग. मतलब इट रिक्वायर्स एन एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ ऑल द अल्टरनेटिव ऑप्शंस, जिससे मेको ज्यादा बेनिफिट हो वही हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं. अब जैसे देखिए एक आम हाउस होल्ड की बात समझिए. एक आम हाउस होल्ड में क्या होता है बेटा, 100 रुपये में आपको एक ब्रांडेड लेट से डिश वॉशर अवेलेबल है, बराबर है. और उसी टाइम पे मम्मी को 1+1 का एक नया डिश वॉशर भी मिल रहा है. आपके हिसाब से आपकी मम्मी क्या सेलेक्ट करेगी? 1+1. मम्मी ने यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ माइंड यूज किया. भैया अल्टीमेटली इसमें क्या होने वाला है, वो तो डिश वॉश में ही खत्म होने वाला है राइट. तो उसमें ब्रांड का कोई जरूरत नहीं है. लेकिन अब मुझे बताइए, ये अगर मेडिसिन की बात होती तो आपकी मम्मी क्या सिलेक्ट करती? 100 रुपीज वाला सिलेक्ट करती. यानी डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्स यू टू सिलेक्ट बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन आउट ऑफ ऑल द अवेलेबल अल्टरनेटिव. यस. तो डिसीजन मेकिंग कैन चेंज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट. तो क्या मैं ऐसा भी कह सकता हूं, डिसीजन मेकिंग इज नॉट एन ईजी प्रोसेस, इट इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस? यस और नो? डिसीजन मेकिंग इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. वैसे ये एग्जाम्पल सही तो नहीं है जो मैं आपको देने जा रहा हूं, पर आपको समझ में आएगा ये क्यों कभी कभी कॉम्प्लेक्स बन जाता है. पिछले एक महीने से आई वॉज मतलब मेरे फैमिली में कुछ हेल्थ इश्यूज चालू थे, तो एक डिसीजन लेना था. तो जो अभी गुजरे जो मेरे फूफा जी थे राइट, ही वॉज नेक्स्ट टू डैड टू मी. तो जो वो गुजरे, इनको पैरालिसिस प्लस ब्रेन हैमरेज आया. ठीक है. अब देखिए डिसीजन मेकिंग कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. वैसे कि मैंने कहा ये डिसीजन, ये सही एग्जांपल नहीं है बट एक राइट पर्सपेक्टिव आपको ज़रूर देगा कि डिसीजन मेकिंग इतना आसान भी नहीं होता. अब जैसे उनको पैरालिसिस आया, उनको हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर का फ़ोन आता है, बोले सर दो बातें हैं आप बताइए क्या करना. मैं बताइए सर. बोले सर देखिए अगर इनको इंजेक्शन दिया तो हार्ट अटैक आने के चांस है, और नहीं दिया तो 1 घंटे में ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, तो क्या करूँ? अब यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक निगेटिव में सिलेक्ट नहीं करना है, दोनों निगेटिव है उसमें से सिलेक्ट करना है कम निगेटिव कौन सा है. आप समझ रहे हैं? मेरे पास ऐसा सिचुएशन आ गया जो मैंने कभी हैंडल ही नहीं किया. मतलब आदमी किस चीज से इफेक्ट होगा उसका डिसीजन मैं लूं. ठीक है. फिर वापस थोड़े दिन बाद उनको वेंटिलेटर पर डाला. वेंटिलेटर पर डालने के टाइम पर बोला जाता है, डॉक्टर बोलता है देखो क्वालिटी ऑफ लाइफ तो है नहीं, वेंटिलेटर निकाल दो, 6 दिन हो गए. अब एक बात बताओ, मैं कैसे डिसीजन ले, वो आदमी जिए कि मरे, वेंटिलेटर पे रखना कि निकालना, इसका डिसीजन मेरे को लेना है. इज इट एन ईजी प्रोसेस? क्योंकि हम सब जानते हैं वेंटिलेटर निकाला तो होने क्या वाला है, और रखते रहे तो भी क्या होना है, हॉस्पिटल का बिल बनना है. डॉक्टर तो पहले ही जवाब दे चुका है होना कुछ नहीं है. तो इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. आप सोच करके देखिए, बिजनेस में ऐसे तो कई डिसीजन मेकिंग आते होंगे. यस, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डिसीजन मेकिंग कि भैया बैंक अकाउंट किधर ओपन करना, एक अच्छे बैंक में या जो बैंक पास में हो उसमें, ये पहला. अब कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग है, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ बेटर होगा, फिर कहाँ वो प्रोडक्ट यू नो प्रोडक्ट कौन सा अच्छा होगा, फिर उसको ऑपरेशन किसके हाथ में देना, अगर पार्टनरशिप फॉर्म है 5 पार्टनर है तो ऑपरेशन किसके हाथ में देना. सो बिजनेस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड इट रिक्वायर्स एन एक्सटेंसिव डिसीजन मेकिंग राइट. हमें कहाँ फैक्ट्री सेटअप करनी चाहिए, सोच करके देखिए कितना कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है. यस, टेस्ला रिसेंटली इंडिया में आने का डिसीजन ले रहा था. अब एक क्वेश्चन आता है कि भैया फैक्ट्री कहाँ सेटअप करनी चाहिए, उसके पास 2 ऑप्शन थे, या तो फैक्ट्री वहाँ सेटअप करो जहाँ से प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा, या तो फैक्ट्री वहाँ सेटअप करो जहाँ रॉ मटेरियल आसानी से मिलेगा. अब रॉ मटेरियल जहाँ आसानी से मिलता है वहाँ पर सेल ज़्यादा नहीं है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो आएगी आएगी. आर यू गेटिंग द पॉइंट? कहाँ सेटअप करना, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग है. अब सपोज ये मैंने तुम्हारे को प्रीमाइसेस दे दिया और तुम्हारे को बोला कि इसमें 6 मशीन को तुमको बैठाना है, डोंट यू थिंक तुमको सबसे पहले सोचना पड़ेगा कौन सी मशीन को कितनी जगह लगती, तो उसको कहाँ कैसे सेटअप किया जाए.
नहीं तो क्या होगा, अगर तुमने गलत सेटअप कर दिया तो स्पेस भी खत्म हो जाएगा, प्लस तुम्हारे मैन्युफैक्चरिंग में बार बार दिक्कतें आएंगी। अगर हम फैक्ट्री की बात करते हैं तो आप सोच के देखिए, आइसक्रीम फैक्ट्री में क्या होता होगा भैया, सबसे पहले कोई डीप फ्रीजर दूध होता होगा, वो निकलता होगा, क्रीम बनता होगा, क्रीम के बाद उसके अंदर में फ्रीजिंग मशीन में उसको फ्रीज कर देते होंगे, फिर उसको चॉकलेट या अदर फ्लेवर में डिप करते होंगे, फिर बाहर निकालते होंगे, फिर पैक करते होंगे। तो इस तरीके से प्लान करना पड़ता होगा ना कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक एक्टिविटी चेन ऑफ एक्टिविटी में बने। यस और नो? तो दैट्स हाउ डिसीजन मेकिंग बिकेम वेरी रिलेवेंट प्रोसेस। सो डिसीजन मेकिंग रिफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव दैट विल प्रोवाइड द मोस्ट एफिशिएंट मीन्स ऑफ अटेनिंग द डिजायर्ड एंड फ्रॉम वन और टू अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। तो एक से ज्यादा कोर्स ऑफ एक्शन में जब आपको एक बेस्ट सिलेक्ट करना है, हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, डिसीजन मेकिंग। द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस यूनिट जनरली नीड्स टू मेक स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल डिसीजन। हम मेन तीन तरह के डिसीजन लेते हैं, ये एमसीक्यू बनेगा। हम मेजरली तीन तरीके का डिसीजन लेते हैं। पहला स्ट्रैटेजिक, कल ही हमने डिस्कस किया था इस बारे में। स्ट्रैटेजिक डिसीजन क्या होता है, टू एंटर इनटू द बिजनेस और नॉट एंटर इनटू द बिजनेस। लेट मी गिव अ सिंपल एग्जांपल, सोच करके बताइए, टाटा क्या कभी भी टायर बिजनेस में एंटर नहीं कर सकता था क्या? आज इतनी गाड़ी बना रहा है, वो कभी भी टायर बिजनेस में एंटर कर जाता, लेकिन वो क्या बोलते, भैया एक पूरा का पूरा फैक्ट्री लगाना, एक नए सेगमेंट में एंटर कर देना टाटा टायर्स, उससे बेटर तो ये है एमआरएफ से खरीदो और लगा दो, काम खत्म। क्या होगा, रॉ मटेरियल हम खुद नहीं बना पाएंगे ना। थैंक यू सुरेश भाई, आई लव यू। क्या होगा, रॉ मटेरियल हमको थोड़ा महंगा मिल जाएगा। क्या होगा बेटा, रॉ मटेरियल क्या मिल जाएगा, महंगा, पर एटलीस्ट काम तो बच जाएगा ना ब्रो, समझ आ रही बात? तो कभी भी खुद से बनाना कि बाहर से मंगा लेना। मम्मी को अगर सब्जी बनानी है और पनीर की सब्जी बनानी है, मम्मी के पास दो ऑप्शन है, या तो दूध फाड़ के पनीर बना दो या तो सीधा सीधा बाहर से मंगा दो। मम्मी ने क्या करना है, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग करनी है। दूसरा है ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग, कि अब पनीर आ गया, बनाना किसको है, हु विल डू इट। समझ में आया, मम्मी बनाएगी, बड़ी मम्मी बनाएगी, दीदी बनाएगी, हु विल डू इट। और तीसरा है ऑपरेशनल, चले पूरा चल खाना खाना दे सबको, तुम्हारे को मिलता ऑपरेशनल डिसीजन दो सबको। सो तीन तरीके के डिसीजन मेकिंग है, स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल। डिसीजन मेकिंग इज अ हाईली कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक प्रोसेस। हाईली कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व है। अब मेरे केस में क्या हो गया, साला मैं डिसीजन लूँ तो लूँ क्या, अगर इंजेक्शन लगा तो हार्ट अटैक आए, नहीं ला तो ब्रेन हैमरेज आए। अब ये कैसे डिसाइड करूँ काई से मरना चाहिए, इट्स अ हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। फिर मैंने डॉक्टर को पूछा, मैं बोला सर एक बात बताओ, ब्रेन हेमरेज कन्फर्म है क्या? बोले 100% श्योर हूँ। मैंने बोला हार्ट अटैक के चांसेस कितने हैं? बोले 90%। मैं मतलब 10% तो सेव हो सकता है ना उधर आदमी। बोले अगर रिएक्ट कर गए तो हो जाएगा, नहीं तो। मैंने बोला लगा दो। अब यहाँ तक के तो सब ठीक था। मैंने बोला सर इंजेक्शन का कॉस्ट क्या रहेगा? 75,000। अब ये डायनामिक्स में बदल गया। समझना एक बात को, हाईली कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक प्रोसेस, हाईली कॉम्प्लेक्स एंड अ डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। बराबर, मैंने बोला सर कुछ और अच्छा अल्टरनेटिव जो इनको और बचा सके, 75 की जगह 80 लगने दो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई और अल्टरनेटिव है? बोले नहीं, इससे हो जाएगा काम। बोला ठीक है फिर लगा दो। अब बोले 2 घंटे बाद देखेंगे क्या होता है। अब 2 घंटे तक के सोचते बैठने का, अब समझ, अब 2 घंटे बाद 2 आउटकम है। अब बात समझ रहे हो क्या, या तो ये सेव है या तो ये सेव्ड नहीं है। अब सेव्ड नहीं है तो आगे के प्रोसेस, और सेव्ड है तो आगे के प्रोसेस। बिकॉज यू आर द पर्सन इन डिसीजन मेकिंग, यू हैव टू मेक दी अप्रोप्रिएट डिसीजन एज इट इज। ठीक उसी तरीके से जब आप बिजनेस के अंदर में होते हो तो 2 आउटकम होते हैं, राइट? हर बिजनेसमैन को बजट बड़े ध्यान से देखना पड़ता है। अब जब मेरे साथ सीए इंटर में रहेंगे तो हम पहले दूसरे दिन बजट पढ़ेंगे, तो आप जब देखोगे सर बजट, वो बहुत सोचते बैठता है, क्योंकि अगर उनके केस में जीएसटी बढ़ा तो धंधे पे इफेक्ट आएगा, नहीं बढ़ा तो सेल्स बढ़ने के चांसेस है, कम कर दिया सेल्स बढ़ने के चांसेस है। तो डिसीजन मेकिंग एक डायनामिक प्रोसेस है जो बहुत बार चेंज होती रहती है, और एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर है जिस बारे में आपको क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है।
Business economics also referred to managerial economics. Generally, it integrates economic theory with business practice. Right? Chulo, give the third heading, decision making. Give the third heading, decision making. Done. Write down. Decision making is selecting. An appropriate alternative. Selecting an appropriate alternative. That will provide the best course of action. That will provide the best course of action. Next point. Generally, a business has to take three type of decision. Generally, a business has to take three type of decision. पहला स्ट्रैटेजिक, दूसरा टैक्टिकल, तीसरा ऑपरेशनल. Tactical, operational, third. Third, decision making is a highly complex and dynamic process. Decision making is highly complex and dynamic process. डन बेटा. चलिए अब आते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है. बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं. सर क्यों? बिकॉज राइट, इट नॉट जस्ट प्रोवाइड थ्योरी, इट प्रोवाइड थ्योरी विथ प्रैक्टिकल. इसीलिए इसको मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स या हम इसको अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा? अप्लाइड इकोनॉमिक्स. क्योंकि आप इसे एक्चुअली अप्लाई करते हैं कहां पे बेटा? डिसीजन मेकिंग के अंदर में. नेक्स्ट, बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या सिर्फ इकोनॉमिक्स आता है और इट इज मल्टीडिसिप्लिनरी. आपको एक साथ कई फैक्टर्स के बारे में सोचना पड़ता है. जैसे प्रोडक्ट के साथ साथ कॉस्ट, उसकी लॉन्गिटिविटी, यस, उसकी वारंटी. आप सोच करके देखिए, जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, मोबाइल खरीदने जाते हैं, सिर्फ क्या उसका डिजाइन और शेप देख लेते क्या? यस, उसका सिर्फ डिजाइन शेप देख लिया, काम खत्म हो जाता क्या? नहीं. आप पहली चीज क्या देखते हो मोबाइल में, बताइए? पहला बैटरी. सिंपल. पहला क्या देखते हैं? बैटरी. बैटरी के बाद क्या देखते हैं? कैमरा. सिंपल है, बराबर है. तीसरा क्या देखते हैं? लुक. चौथा क्या देखते हैं? प्राइस. पांचवा क्या देखते हैं? इसके साथ और क्या मिल रहा है? ऑफर. देखते कि नहीं देखते? इसके साथ क्या मिल रहा है? ऑफर क्या है ये बता. छठवीं चीज आप देखते हैं, अच्छा, जिसको थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज भी है, भैया इसका स्क्रीन रिजोल्यूशन कितना है, इसमें गेमिंग चलता क्या, ये सुनो. जिसको थोड़े बहुत नॉलेज भी है, भैया इसमें ये होता क्या, वो होता क्या, फिर उसको पॉकेट में डाल करके एक बार चेक करते कि भैया ये मेरा पैंट है. जनरली यू नो कैसा अटकना नहीं चाहिए ना. अरे मतलब मोबाइल निकालते वक्त पैंट से अटकना नहीं चाहिए, समझ रहे हो? तो वैसा अटकना नहीं चाहिए, इसलिए आप डाल करके देखते हो कि भैया बराबर अटक तो नहीं रहा. अच्छा, फिर आप आते हो काहे के ऊपर? निगोसिएशन पे. यानी अगर आप देखेंगे, आप एक चीज में रुके क्या? नहीं, इट्स अ मल्टी डिसिप्लिन. आपने कॉस्ट का फैक्टर कंसिडर किया, साइज का फैक्टर कंसिडर किया, आपने किसका प्राइस का फैक्टर कंसिडर किया, साइज ऑफ मोबाइल, राइट, इसका फैक्टर कंसिडर किया. तो ये एक फैक्टर नहीं है. दूसरी बात, आपने इसमें प्राइस वैल्यू भी देखा कि इतने प्राइस में ये चीज मिल रही है, क्या ये सेंसिबल है क्या? जैसे अब ये देखो, ये उष्ट सफरचंद बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं है. ठीक है सर, दे दो फिर.
नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा ये बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जितनी उसकी कॉस्ट है, जितना उसका हाइप है, आप उसमें फंक्शनैलिटी उतनी नहीं कर सकते। यस, जैसे अब देखो एंड्रॉयड में जो पीडीएफ स्कैनर आता है कंप्लीटली फ्री है, यहाँ पे 2 ही दिन का ट्रायल मिलता, उसके बाद 899 रुपीज़ पर मंथ देना पड़ता। कितना? 899 पर मंथ। अब एंड्रॉयड में इसी के लिए देखो आप, जो व्यक्ति ना ये लेके घूम रहा ना, वो ये भी लेके घूमता। अच्छा ये बहुत फालतू है, तो सर फिर इसको लेके क्यों घूमते? वो आपको थोड़ा इंटर में समझेगा, इसको लेके क्यों घूमते? ये फोन सीधा रखने के लिए थोड़े नहीं है, बस उल्टा रखने के लिए। समझ में आ रही है बात? ये सिर्फ, और ये वाले फोन उल्टे रखने के लिए नहीं है, ये सिर्फ सीधे रखने के लिए। तो अगर आप देखेंगे इसमें मल्टीपल फैक्टर इन्वॉल्व हो गए, जिसके कारण हम इकोनॉमिक्स को क्या कह रहे हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली वैल्यूएबल इन बिजनेस डिसीजन मेकर बट ऑल्सो यूजफुल फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मुझे एक बताइए, क्या सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में इकोनॉमिक्स यूज होता होगा क्या? नहीं, गौशाला में भी, लेट्स से गौशाला जो होती है अपनी, राइट, इसमें भी इस इकोनॉमिक्स को यूज किया जाता होगा। जैसे जो गाय का गोबर निकलता है, राइट, आपको पता है या नहीं पता है, इसके उपले बनते हैं और ये उपले सेल होते हैं वेरियस प्रोडक्ट्स के लिए। यस, ये उपले सेल होते हैं वेरियस प्रोडक्ट्स के लिए, गौमूत्र सेल किया जाता है, राइट। इसके बाद में इंसेंस स्टिक्स बनती है इससे, जो गाय का गोबर है इसमें फ्लेवर मिला करके नेचुरल इंसेंस स्टिक बनाई जाती है, धूप बत्ती बनाई जाती है, केक्स बनाए जाते हैं। यस, मल्टीपल जगह पे यूज होता है, मल्टीपल जगह पे यूज होता है। जैसे कई जगह पे यू नो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है ना, तो लकड़ी को ना जगा ला करके क्या किया जाता है, अगर उसको कांस्टेंट हीट देते रहना है, क्योंकि गोबरी बहुत देर तक जलती रहती, कांस्टेंट हीट देना है, तो इट इज़ ऑल्सो एक्ट एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिर उसके बाद में अगर बायोलॉजिकल ब्रिकेट्स या पैलेट्स बनते हैं, उसके अंदर में भी उसको यूज़ किया जाता है। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, बट स्टिल जब वो उपले बनाते हैं तो क्या रुपए केजी में इसको सेल करना है, गौमूत्र कितने में सेल करना है, क्या आप जानते हैं? पतंजलि अपना गौमूत्र 50 रुपए में सेल करता है। यस, अरे मतलब पतंजलि का जो प्रोडक्ट है वो है ना, मतलब पतंजलि कंपनी है भाई, आर्टिफिशियल पर्सन कैनॉट हैव गौमूत्र, बराबर है। तो अगर आप देखेंगे तो वो अपना ही एक प्रोडक्ट क्या करते हैं, तुम कंटेंट को पकड़ा करो ना रे, बीच में से कुछ भी वर्ड पकड़ते, कंटेंट को पकड़ो ना तुम, बीच में से कुछ भी वर्ड को पकड़ डालते। पहले एक तो बोल कैसे रहा हूँ मेरी, मैं जान रहा हूँ, उसमें से बीच में मैं हंसना, अभी हंसाना और खांसी आएंगे, मेरे को दर्द होगा, बट आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू गिव यू ऑफ, समझो। हाँ, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली वैल्यूएबल टू बिजनेस डिसीजन मेकर बट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू, बोलो बेटा, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। इज दैट डन? यस, गिव द नेक्स्ट हेडिंग बिजनेस इकोनॉमिक्स। डिसीजन मेकिंग के बाद नेक्स्ट हेडिंग बिजनेस इकोनॉमिक्स। पॉइंट नंबर वन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। बिकॉज इट मिक्स थियोरी विथ प्रैक्टिकल। नेक्स्ट, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज मल्टी डिसिप्लिनरी। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज मल्टी डिसिप्लिनरी। नेक्स्ट, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज वैल्यूएबल फॉर
प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, बिजनेस इकोनॉमिक्स एट टाइम्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज अप्लाइड इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स एट टाइम्स, ऑल्सो कॉल्ड एज अप्लाइड इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज वैल्यूएबल फॉर प्रॉफिट मेकिंग एंड नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज वैल्यूएबल फॉर प्रॉफिट मेकिंग एंड नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। इज दैट डन? चलो बेस्ट, आते हैं चैप्टर के आगे वाले पार्ट पे। बिजनेस इकोनॉमिक्स दो प्रकार के हैं, पहला माइक्रो, दूसरा मैक्रो। अच्छा, हम इसे बिजनेस इकोनॉमिक्स क्यों कह रहे हैं? पिछले टाइम तक के इसको हम सिर्फ और सिर्फ क्या कहते थे? बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब तो खैर इसका पूरा नाम ही चेंज कर दिया इकोनॉमिक्स, बिकॉज नाउ इट ऑल्सो कवर मैक्रो। समझ में आई बात? इसीलिए इस सब्जेक्ट में सिर्फ कंटेंट ही नहीं, नाम भी चेंज हुआ है। पहले इसे सिर्फ बिजनेस इकोनॉमिक्स कहा जाता था, अब तो खैर इसे इकोनॉमिक्स का पार्ट माना जाता है, और बिजनेस इकोनॉमिक्स में मैक्रो पोर्शन को भी क्या किया है? इंक्लूड किया है। यस, इकोनॉमिक्स के कितने प्रकार है? दो, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो जो है ये टॉक करता है इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में, जबकि मैक्रो टॉक करता है एग्रीगेट बिहेवियर के बारे में। यस, सो गिव द नेक्स्ट हेडिंग, माइक्रो एंड मैक्रो। ये वो वाला पार्ट है जो तुमको ऑलरेडी पता है, तो इस पर आपने टाइम नहीं लगाना चाहिए। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, बराबर, उसके अंदर में ए माइक्रो, माइक्रो माइक्रो के अंदर में पॉइंट नंबर वन, इट टॉक्स अबाउट इंडिविजुअल, इट टॉक्स अबाउट इंडिविजुअल यूनिट। सेकेंड पॉइंट, इट फोकस ऑन स्मॉल नंबर, इट फोकस ऑन स्मॉल नंबर थर्ड, इट कवर प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, इट कवर प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, कंज्यूमर बिहेवियर। इट कवर प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, कंज्यूमर बिहेवियर। डन है बेटा? से यश। नेक्स्ट मैक्रो, बी मैक्रो। इसमें पहला पॉइंट लिखिए, इट टॉक्स अबाउट एग्रीगेट यूनिट, इट टॉक्स अबाउट एग्रीगेट यूनिट। पॉइंट नंबर टू, इट स्टडी द बिहेवियर ऑफ लार्ज इकोनॉमी, it study the behavior of large economy. third, it covers national income, general price level, general price level, एम्प्लॉयमेंट एंड माइक्रो ग्रोथ।
एम्प्लॉयमेंट एंड मैक्रो ग्रोथ। इज इट डन? चलिए आते हैं इस पर्टिकुलर यूनिट के एक और पार्ट पे, फीचर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। चलिए आपसे कुछ फटाफट सवाल पूछता हूँ, बताइएगा, इज बिजनेस इकोनॉमिक्स एन आर्ट? इज बिजनेस इकोनॉमिक्स अ साइंस? इट इज बेस्ड ऑन माइक्रो मैक्रो, मोर ऑफ माइक्रो, लेस ऑफ मैक्रो? तीसरा जो था ना वो सवाल था, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? माइक्रो मैक्रो, मोर ऑफ माइक्रो, लेस ऑफ मैक्रो? मोर ऑफ माइक्रो, लेस ऑफ मैक्रो। इट इज एक्टिव इन अप्रोच, प्रैग्मेटिक इन अप्रोच? इट इज प्रैग्मेटिक इन अप्रोच, यस। डज इट ऑल्सो इंक्लूड एलिमेंट ऑफ मैक्रो एनालिसिस, यस और नो? इज इट सिंपल इन नेचर और कॉम्प्लेक्स इन नेचर? इज इट सिंगल डिसिप्लिन और मल्टी डिसिप्लिन? पक्की बात है, प्लीज राइट डाउन फीचर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। फीचर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इट इज साइंस, बिकॉज इट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, सेकेंड इट इज आर्ट बिकॉज इट इन्वॉल्व प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इट इज आर्ट थर्ड इट इज इंटरडिसिप्लिनरी, फोर्थ इट इज प्रैग्मेटिक इन अप्रोच, नेक्स्ट इट हेल्प्स इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड प्रॉफिट एनालिसिस, इट हेल्प्स इन बिजनेस डिसीजन एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। लास्ट पॉइंट इट इज मोर ऑफ माइक्रो एंड लेस ऑफ मैक्रो, मोर ऑफ माइक्रो एंड लेस ऑफ मैक्रो। लास्ट पॉइंट लिख दीजिए, इट हेल्प्स द बिजनेस, इट हेल्प्स द बिजनेस फॉर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस, इट हेल्प्स द बिजनेस फॉर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस। डन? चलिए आ जाते हैं इस यूनिट के लास्ट पार्ट पे, इतना कर लिया। तो आपका यूनिट नंबर 1 क्या हो जाता? ओवर।
नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, आज आपको घर पे जाकर के एक होमवर्क करना है सभी लोगों को. जितना ये है आपकी जो रेगुलर बुक है या आपका जो मॉड्यूल है नया वाला, राइट, उससे एक बार गो थ्रू कर लेना, राइट. अगर खुद से होके ऐसा लगता है कि यार ये एक पॉइंट मेरे को लगता है एमसीक्यू में आ सकता है, तो हर चैप्टर के नीचे हाफ पेज खाली छोड़ना, जितना हम लिखेंगे उसके नीचे हाफ पेज खाली छोड़ना, ताकि उधर का एक हाथ कोई लाइन वहाँ से पे लिख सको. बराबर है, हमने हमारा क्लासिफाई करके दे दिया, पर अगर तुमको इंस्टिंक्ट आता है कि नहीं यार ये भी इंपॉर्टेंट है तो ये कर लेना. तुमको हार्डली 15 से 20 मिनट लगेंगे पूरा यूनिट 1 रिवाइज करने के लिए. डू यू अग्री? यस, 15 से 20 मिनट लगेगा तुमको पूरा का पूरा रिवाइज करने के लिए. आज मेरा आवाज़ ठीक नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हारे को ऑडियो रिविजन भी इसका रिकॉर्ड करके दे देता, बट डोंट वरी, इसका ऑडियो रिविजन मैं आपको आगे रिकॉर्ड करके दे दूंगा, विच विल ऑल्सो फर्दर हेल्प यू टू रिवाइज द होल टॉपिक. आर यू गेटिंग द पॉइंट? राइट, चलिए आते हैं बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी. इकोनॉमी की कुछ बेसिक प्रॉब्लम है. देखिए हर इकोनॉमी 4 प्रॉब्लम से डील करता है. हर इकोनॉमी कितने प्रॉब्लम से डील कर रहा है? 4. बात समझना, हर इकोनॉमी कितने प्रॉब्लम से डील कर रहा है? 4. चलो याद करके देखो, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, एंड प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. चलो बोलो वापस से, कौन कौन सा? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, एंड प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स. हर इकोनॉमी को यह सोचना पड़ता है. जैसे रशिया कैपिटल गुड्स बनाता है और इंडिया कंज्यूम करता है. अरे मतलब इंडिया जो है ये कंज्यूमर गुड्स पे फोकस करता है ना, बराबर है, वो कंज्यूमर गुड्स पे फोकस करता है. फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, समझ रहे हैं ना आप, राइट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट. तो उनका प्रोडक्ट टू तो प्रोडक्ट टू 2 मिनट को, तो कंज्यूमर गुड्स जो है हम लोग बनाते हैं. पाकिस्तान कंज्यूमर गुड्स बनाता है, श्रीलंका कंज्यूमर गुड्स बनाता है, राइट, नेपाल बांग्लादेश कंज्यूमर गुड्स बनाता है, चाइना कैपिटल गुड्स बनाता है, यूके कैपिटल गुड्स बनाता है. तो अगर आप देखेंगे वो लोग काय के ऊपर फोकस करते हैं बेटा, कैपिटल गुड्स. तो हर इकोनॉमी को एक डिसीजन लेना पड़ता है, विल दे मेक कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स. धीरे धीरे 2015 से मोदी गवर्नमेंट पुश कर रही है इंडिया को मेक इन इंडिया, मतलब कैपिटल गुड्स की तरफ. हमने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड की इंडिया में चालू कर दी, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड की अब इंडिया में होने जा रही है. एक टेस्ला यूनिट बचा हुआ है, वो भी आ जाए तो और भी जो जितने इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो आ जाएंगे. लैंड रोवर तो वैसे हम ही चला रहे हैं, समझ में आ रही है कि नहीं? यस, मैं नहीं चला रहा बुरा, हम ही चला रहे, मतलब टाटा ब्रांड है ना. मैं कहा गरीब आदमी बेचारा, मैं ठीक है चला लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नो. बट देखो एक चीज़ का मोटिवेशन यहाँ पे भी है छोटा सा, फेल होने के बाद भी लैंड रोवर तो ला ही सकते हो. ऐसा कुछ नहीं है ना कि फेल हुए हुए सक्सेसफुल नहीं होते, बहुत सक्सेसफुल होते हैं. हमें पता होता है पास होने वाले की कीमत क्या है. फेल होने वाले को हमेशा पता होता है पास होने की कीमत क्या है. तो मान लो अगर तुमको फाउंडेशन में ही झगड़ा, यू नो, झटका लग गया है ना, तो होता क्या है, इंटर में और फाइनल में जब तुम क्लासेस करोगे ना, तुम बहुत एक्टिव रहोगे. उस टाइम पे से पहले दिन से तुम मेहनत करना चालू कर दोगे, क्योंकि तुमको पता है लगी तुम्हारी है, समझ में आया. और जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होकर चले जाता ना, कई बार उसको थोड़ा सा घमंड आ जाता, टू हॉर्न्स हैव ग्रोन ओवर देयर हेड. जैसे मैं आपको बताता हूँ, फाउंडेशन में कुछ बच्चे थे, ठीक है, उनमें से एक दो बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, सर अभी तक के इंटर का क्लास चालू हो गया, लगभग लगभग आज 10 दिन हो गए इंटर का क्लास चला हुए, उनने क्लास ही नहीं लगाया. बोले सर हम डेमो देख रहे हैं अब तक सबके. मतलब बेवकूफ़ आदमी, इस चक्कर में रोज 10 घंटे का क्लास है तेरे, 10 दिन तू दूसरों से 100 घंटे पीछे है. तो दूसरों से कितने? 100 घंटे पीछे है, कहीं से रिकवर करेंगे? अरे बेवकूफ आदमी. और मैंने बोला एक बात बता, तू डेमो में देखेगा क्या? नहीं नहीं वैसा नहीं, जैसा एक मिनट, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा तूने आज तक, जैसे मैंने उसको बोला, मैंने बोला चल मेरे सब्जेक्ट का एग्जांपल लेता हूँ, आज तक तूने इनकम टैक्स का आय नहीं पढ़ा और मैं दिन में 4 बैचेस उसी की ले रहा. बोला CA फाइनल का रेगुलर बैच, CA फाइनल का फास्ट ट्रैक बैच, CA इंटर का रेगुलर बैच, CA इंटर का फास्ट ट्रैक बैच. तूने इनकम टैक्स का आय नहीं पढ़ा और तेरे को क्या लेना है? डेमो लेना है मेरा. मैं दिन में 4 बार पढ़ा रहा.
मैं बोला देख बेटा तेरे को डेमो वेमो कुछ नहीं लेना, तेरे को सिर्फ ये देखना है ये जो मास्टर है ना जो सामने पढ़ा रहा है, इस झंडू के साथ मेरा वैब मैच करता क्या, मतलब ये जो बोल रहा ये मेरे यहाँ यहाँ तक जाता क्या। तो कुछ डेमो वेमो तेरे को खुद को नहीं मालूम कंसेप्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, और तू चेक करने चला उसको जो ऑलमोस्ट सबको सिखा रहा। बोला तू सिर्फ वाइब चेक कर रहा, मेरे साथ उसका वाइब मैच करता क्या, समझ में आएगा। जैसे तुम्हारी शादी होगी, अरेंज मैरिज होगा, ठीक है, 5 मिनट में तुमको डिसीजन लेना है, इसके साथ 50 साल बिता सकते क्या, तो तुम 5 मिनट में क्या चेक कर लोगे। अरे 5 मिनट में तुम क्या ही चेक कर लोगे, क्या चेक होगा 5 मिनट में, हो सकता है क्या कुछ चेक 5 मिनट में, नहीं। तुम सिर्फ वाइब मैच करते हैं, तुम सिर्फ क्या चेक करते, वाइब मैच करते कि भाई ठीक है इसके साथ मेरा मतलब पॉसिबल है क्या मेरा रूम इसके साथ शेयर करना, बराबर है कि नहीं, मेरा अलमारी इसके साथ शेयर करना पॉसिबल है क्या। तुम उतना मैच करते भाई, कुछ मैच नहीं करते तुम। चलो आओ, व्हाट टू प्रोड्यूस, फिर दूसरा सवाल आता है। अरे नहीं, अरे उसके बाद व्हाट टू प्रोड्यूस नहीं, अरे अट यार मत हंसाओ रे, सच में बहुत गला दुख रहा है। हाँ पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस। देखो कितना कितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, दो तरीके का ऑप्शन है, लेबर ओरिएंटेड मेथड, मशीन ओरिएंटेड मेथड, बराबर है कि नहीं, दो तरीके के ऑप्शन है राइट, एक कैपिटल गुड्स के थ्रू या दूसरा लेबर के थ्रू प्रोड्यूस करना, यस और नो। तीसरा फॉर होम टू प्रोड्यूस, देखिए आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं ये रिच के लिए है या पुअर के लिए है ये भी देखना पड़ेगा, यस yes? जैसे अगर रिच के लिए है तो ओनली द पीपल हैविंग रिच स्टेटस और वो आर एबल टू पे कैन ओनली अफोर्ड योर प्रोडक्ट्स, यस और नो। नहीं तो फिर क्या होगा, पुअर ही इसे ले पाएंगे। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, MI जब भी कोई गुड्स बनाता है उसका ऑब्जेक्टिव रिच है या पुअर है, एप्पल बराबर है ना, वो मैं उसका वो चश्मे के लिए देख रहा था अभी, क्या बोलते उसको वो विजन, हाँ विजन प्रो, सर मात्र 4 लाख रुपए, कितने मात्र 4 लाख रुपए, जस्ट 4 लाख रुपीज। मैंने बोला ओके मैं थैंक यू, इतने में मैं पूरा थिएटर बुक करेगा। सर 4 लाख रुपए का है एप्पल का विजन प्रो, अब आप मुझे समझिए ऑब्जेक्टिव ही क्या है भाई, इसको पूर आदमी लेने इतने वाला, कंपनी का ऑब्जेक्टिव है इतने है? पुअर ने रिच। अब क्या होता है, ये एक स्ट्रैटेजी भी है कई लोगों को इंड्यूस करने की, अच्छा ये अमीरों के लिए है क्या, मैं भी लेगा। अब इसमें लोग फंसते हैं, यस जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे को अब तक एक ही बार चांस मिला, मैं ना बहुत शौक था मेरे को किसका, बुगाटी चिरॉन, लड़कियों एक गाड़ी होती है ठीक है, बुगाटी चिरॉन मतलब नेक्स्ट लेवल की गाड़ी है, नेक्स्ट लेवल गाड़ी है, और मतलब लड़का जिसको शौक है ना गाड़ियों का उसको बुगाटी चिरॉन पता होगी, यस एक बुगाटी वेरॉन भी है और एक बुगाटी चिरॉन भी है, अपने को थोड़ा जरा चिरॉन के बारे में थोड़ा अच्छा लगता है। तो जब आप इनके शोरूम में जाएंगे ना, देर इज़ नो पर्सन टू अटेंड यू, मतलब इन मतलब यू नो, सबसे पहले तो तुम गेट को ढूंढते गेट किधर से है, फिर एक बटन रहता वो दबाना पड़ता तो तुम्हारे को गेट ओपन होता, गेट ओपन होगा तुम जा कर के देखोगे वहाँ पे ऑटोमेटिकली ना यू नो आता है प्लीज़ फील फ्री टू चेक एनीथिंग, फिर आप वहाँ पे ढूंढने जाओगे किसी पर्टिकुलर पर्सन को, वो पर्टिकुलर पर्सन आएगा यस सर, आप बोलोगे मेरे को बुगाटी चिरॉन देखना है, वो तुम्हारे को बोलेगा ओके सर ऑल द डिटेल्स आर गिवन ओवर हियर राइट, अगर आपको लेनी होगी तो बता देना, और चल जाता। मतलब जानबूझ के ना ऐसा ठेस पहुँचाया जाता है कि उसको ऐसा लगे अच्छा इस मेरी बिज्जती कर रखा है साले, मैं बुगाटी चिरॉन देखने के लिए आया है, मैं कोई हल्का पतला आदमी है क्या। तो आपकी जानबूझ करके बिज्जती की जाती है। आप रोलेक्स के शोरूम में जाओ, सर ये सारा डिस्प्ले है, अब आप क्या बोलोगे, भैया खोल के बताओ, टाइटन वाला तुमको 5 बार बताएगा, ये वाला हाँ सर, ये वाला हाँ सर, राडो के पास जाओ, राडो में जाओ तुम, राडो में जाओ, सेको में जाओ, देखो फिर एक दिखाएगा दो दिखाएगा, और उसके बाद उनका ट्रेनिंग ही ऐसा होता है, सर आप बता दीजिए कौन सा चाहिए मैं उस हिसाब से बाद में निकाल दूंगा, आप एक बार पहले फाइनलाइज कर दीजिए। मतलब वो तुमको ये फील करवा देते जानबूझ करके कि भैया
तुम्हें वो कैपेबिलिटी है ही नहीं। एप्पल भी वही करेगा देखना। अब इसमें क्या होगा, कई लोग इंड्यूस हो जाएंगे यार क्या है, एक बार समझते हैं जरा। एंड लास्ट प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, सिर्फ आज ही के लिए नहीं, यू नो प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ आगे के लिए भी आपको ये देखना पड़ेगा। यस चलो गिव द हेडिंग बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, हाँ जी। पहला द सेंट्रल प्रॉब्लम रिलेटिंग टू रिसोर्स एलोकेशन, द सेंट्रल प्रॉब्लम रिलेटिंग टू रिसोर्स एलोकेशन पॉइंट नंबर वन, व्हाट टू प्रोड्यूस। पॉइंट नंबर वन व्हाट टू प्रोड्यूस। उसे क्या आगे लिखिए, कैपिटल गुड्स ऑब्लिक कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स ऑब्लिक कंज्यूमर गुड्स। सेकेंड हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। कैपिटल इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव। थर्ड, थर्ड फॉर होम टू प्रोड्यूस, रिच ऑब्लिक पुअर। प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, दैट इज टू मेक एफर्ट्स, दैट इज टू मेक एफर्ट्स फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस बोलो फॉर फ्यूचर कंजम्पशन, फॉर फ्यूचर कंजम्पशन। इज दैट डन? यहाँ आपका यूनिट नंबर वन क्या होता है बेटा, ओवर। इज दैट डन? दैट्स इट। मेरा गला बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, आई नीड टू स्टॉप हियर। यस तब तक के आप क्या कर सकते हैं, एक बात, डोंट वेस्ट योर टाइम। मैं सर को बोलता हूँ अगर उनका अर्ली लेना पॉसिबल होगा तो और ले लेंगे। टिल दैट टाइम आपके पास अगर MCQ है तो वो सॉल्व करें या एक टॉपिक का रिविजन कर ले। इज दैट डन? थैंक यू सो मच, बाय बोलो बच्चों।